हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इनाम खान एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो डे 17 है और डे 17 में आज हम करने वाले हैं शोल्डर एंड बाइसेप वर्कआउट। गाइस, तो शोल्डर एंड बाइसेप वर्कआउट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कैसा करना है कैसे नहीं करना है। और आज दो कॉफ़ी पी के आया हूँ, बहुत लेट वर्कआउट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि आज मूड बिल्कुल भी नहीं था वर्कआउट का, बट कैसे कैसे बॉडी को रेस्ट करके थोड़ा सो के आराम करके आया हूँ आज जिम पर। और दो कॉफ़ी पी के आया हूँ। वार्म अप वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, वार्म अप का वीडियो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो वीडियो में बने रहिएगा, करते हैं वर्कआउट शुरू। सो गाइस, डे 17 शोल्डर एंड बाइसेप वर्कआउट के साथ। आज डे 17 में शोल्डर बाइसेप वर्कआउट करना है। डंबल प्रेस एंड बाइसेप्स के लिए गाइस आपको डंबल कर्ल लगाना है और सुपर सेट करना है, चार सेट करना है गाइस, 12, 10, 8, 6 के। तो आपको फर्स्ट में शोल्डर प्रेस करना है कुछ ऐसे बेंच लगा के, और ये शोल्डर प्रेस करके हो जाएगा तो आपको ऑन द स्पॉट डंबल लेना है गाइस, डंबल लेके बाइसेप लगाना है ऑन द स्पॉट। देखिए ये मेरा हो गया, अब मैं डंबल लूँगा, डंबल लेके बाइसेप लगाऊंगा, सुपर सेट कहते हैं। एक वर्कआउट शोल्डर का तो एक वर्कआउट बाइसेप्स का, ऐसे आपको करने हैं 12-12 के फर्स्ट सेट में करने, और फिर सेकेंड सेट में 10 के करने, थर्ड सेट में 8, फोर्थ सेट में 6। तो कुछ इस तरह से आपको करना है वर्कआउट, देख सकते हैं आप। तो सेकंड वेरिएशन जो होगा वो शोल्डर के लिए डंबल लेटरल रेसेस होगा और बाइसेप्स के लिए केबल कर्ल होगा, और चार सेट लगाने गाइस, इसको भी 12, 10, 8, 6 के हिसाब से लगाना है आपको। देखिए मैं लेटरल कर रहा हूँ, अब लेटरल होने के बाद मैं बाइसेप लगाने जाऊँगा केबल पे। देखिए अब मैं केबल पे बाइसेप लगा रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको केबल पे बाइसेप लगाना है। और जो अब हमारा थर्ड वेरिएशन होगा वो डंबल फ्रंट रेसेस होगा एंड बाइसेप्स के लिए प्रीचर कर्ल होगा। तो शोल्डर के लिए डंबल फ्रंट रेसेस लगाने, तीन सेट लगाने का इस 15, 12, 10 के लगाना है इसमें। वो इस तरह से आपको डंबल फ्रंट रेसेस लगाना है, फर्स्ट सेट में 15 रेपिटेशन लगाने एंड शोल्डर होके फिर आपको बाइसेप लगाने जाना है प्रीचर मशीन पे। तो शोल्डर वर्कआउट होने के बाद अब मैं प्रीचर कर्ल मशीन पे लगा रहा हूँ, प्रीचर लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। फर्स्ट सेट लगा रहा हूँ गाइस, फर्स्ट सेट में 15 रेपिटेशन लगाना है आपको, शोल्डर में भी, फ्रंट रेसेस में 15 और प्रीचर मशीन पे भी 15 लगाना है। तो अब वेरिएशन नंबर 4th, शोल्डर के लिए श्रग आज मैं ले रहा हूँ शोल्डर में, तो श्रग लगाना है और बाइसेप्स के लिए डंबल हैमर कर्ल लगाना है, चार सेट लगाने का इस 12, 10, 8, 6 के। तो कुछ इस तरह से आपको श्रग्स लगाने और श्रग होते साथ ही आपको बाइसेप्स के लिए डंबल हैमर लेना है। देख सकते हैं अब मैं डंबल ले रहा हूँ, हैमर लगाऊंगा कुछ इस तरह से, आपको शोल्डर श्रग होने के बाद आपको हैमर लगाना है बाइसेप्स के लिए। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स लोग से सब्सक्राइब करवाइए, और गाइस सब्सक्राइबर 1 मिलियन करना है, 1 मिलियन जल्दी से करवा दीजिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।